हाँ वो कर ले तू। अरे रख तो, ये भार्गव कितना पढ़ता है ना, पढ़ाकू कहीं का, इतना पढ़ के करेगा क्या ये? कमाना तो इसे पैसे ही है, वो तो मैं यूं चुटकी बजाकर कमा सकता हूँ। अभी इसको पट्टी पढ़ाता हूँ। अरे भार्गव क्या कर रहे तू? दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ रहा हूँ मैं, डिस्टर्ब मत कर, चुपचाप रह। अरे इतना पढ़ के क्या करेगा तू, और इतना डिग्रीज लेके मिलेगा क्या तुझे? क्या डिग्रीज का अचार डालेगा? अचार डालूंगा, मैं पढ़ के अपना लाइफ सेटल करना चाहता हूँ। सपने देखना छोड़ दे, सिर्फ अमीर लोग ही अपना लाइफ सेटल कर सकते हैं और अच्छी नौकरी पा सकते हैं। हम गरीबों को तो मजदूरी ही करना पड़ेगा और हमारी हालत भी सुधरने वाली नहीं है, इसलिए तू आशा छोड़ दे। चुप कर, बेकार की बात मत कर, खुद तो पढ़ता नहीं है, मुझे भी पढ़ने नहीं देता। वाह, अब तो भैया के साथ जुबान चलने लग गया। मैं तो तेरे भले के लिए सोच रहा था, पर तू तो उल्टा मुझे सुनाने लग गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुझे मेरी बात नहीं सुननी, मत सुन, मैं तो मोबाइल चलाता हूँ। दीदी आ गई। अरे ये तो मेरा किताब है, क्यों ले रहे? तेरा किताब खाने जाऊंगा तो थोड़ा देर के लिए ले रहा हूँ, चुपचाप बैठ। भार्गव प्रशांत तुम दोनों पढ़ रहे हो ना? हाँ दीदी हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं जा रही हूँ काम करने, तुम दोनों अच्छे से पढ़ना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ दीदी आप जाइए, हम लोग पढ़ेंगे। तुझे शर्म नहीं आती है दीदी को झूठ बोलते हुए? क्या झूठ बोला मैंने, क्या झूठ बोला? कि जब दीदी आती है तब तू पढ़ के दिखाता है और जब दीदी जाती है तब तू मोबाइल चलाता है। तो तुझे क्या प्रॉब्लम? मैं मोबाइल चलाऊ ना चलाऊ, पढ़ू ना पढ़ू, तुझे क्या प्रॉब्लम? तू अपने काम से काम रखना, बड़ा आया मुझे प्रवचन देने वाला। जब मैं तुझे कुछ बोलता हूँ तब तो तू मेरा नहीं सुनता है, तो मैं जरा क्यों सुनू? अपने काम से काम रख। बड़ा आया मुझे सिखाने, ये करता है वो करता है। प्रशांत तू क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है? नहीं दीदी मैं पढ़ रहा था, अभी जस्ट मोबाइल चलाने बैठा हूँ। और भार्गव कहाँ गया? भार्गव तो काम कर रहा है। भाई काम कर रहा है, तू मोबाइल चला रहा है, अब तो अपनी जिम्मेदारी उठाना सीख ले। नहीं नहीं मैं भी कर रहा था, पर उसने बोला कि थोड़ा है मैं कर लूंगा, ऐसा बोला उसने। थैंक गॉड बच गया, नहीं तो आज मुझे डांट पड़ जाती। भार्गव क्या कर रहे तू? झाड़ू मार रहा हूँ दीदी। दे मैं मारती हूँ। नहीं दीदी आप थक के आए होंगे, बैठिए। हाँ दीदी बोलिए। प्रशांत पढ़ नहीं रहा था ना? हाँ दीदी वो पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए पढ़ता है, एनी टाइम मोबाइल चलाते रहता है। प्रशांत बोल रहा था कि वो भी तेरे साथ घर का काम कर रहा था, क्या ये सच है? नहीं वो काम ही करने नहीं आया। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी मैंने अपने तसल्ली के लिए तुझे पूछा। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का, कब इसकी बुद्धि आएगी और कब ये अपनी जिम्मेदारी समझेगा। ओए जयदेव कैसा है? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? अरे मेरा पूछ मत, अरे मेरा भाई है ना भार्गव, वो हर रोज मुझे प्रवचन देता रहता है, एनी टाइम पैकर 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 चिल्लाता रहता है, बोलता है कि तू पढ़ाई नहीं करता है, घूमता रहता है, मोबाइल चलाता है, दोस्तों के साथ बिजी होता है। वो ऐसा किया? जिम्मेदारी समझ, ये कर वो कर बोलता रहता है, क्या करूं मैं इसका? बोल तो तू उसे परेशान कर, तभी वो सुधरेगा। ओ ठीक बोला तूने, ऐसा ही करूंगा, चल मिलता हूँ मैं। हाँ भाई। हाँ ओए प्रशांत क्या कर रहा है तू? दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, क्या बात है बोल। तू दीदी को क्यों धोखा दे रहा है? दीदी हमारे लिए इतना कष्ट करती है, रोज काम करने जाती है और घर आके भी काम करती है, वो हमारे लिए इतना कष्ट करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम उनके लिए कुछ करें। दीदी ने मुझे एक बात किसी को भी नहीं बोलने के लिए बोला था, पर मैं तुझे आज बोल रहा हूँ। क्या बात? दीदी मजदूरी करती है ताकि हमें अच्छी जिंदगी मिल सके। क्या ये क्या बोल रहा है तू? हाँ वो चाहती है कि हम लोग पढ़ के जीवन में उन्नति करें, इसलिए मैं मन लगाकर पढ़ता हूँ और तू भी पढ़, दीदी को निराश मत कर। मुझे पता नहीं था कि दीदी हमारे लिए इतना कष्ट करती है, मैं समझ रहा था कि वो कोई आसान सा काम करती होगी, लेकिन जब तूने बोला कि वो मजदूरी करती है ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे अपने आप को कोसने का मन कर रहा है। दीदी हमारे लिए दिन रात मेहनत करती रही और मैं उन्हें हर वक्त धोखा देता रहा, हर समय। लेकिन मैं तुझे अब वादा करता हूँ कि मैं अब से मन लगाकर पढ़ूंगा और कोई अच्छी नौकरी करूंगा और दीदी को आराम दूंगा। तू चिंता मत कर, मैं अब से मन लगाकर पढ़ूंगा और कोई भी बदमाशियां नहीं करूंगा। ठीक है तू मेरा बात समझ गया, यही काफी है मेरे लिए। दीदी आप मुझे माफ कर दीजिए। पर क्यों? कल मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं भार्गव का मदद कर रहा था,
असल में मैं उसका मदद नहीं, मोबाइल चला रहा था। मैंने आज तक आपको झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोला, हर वक्त आपको धोखा देता रहा। लेकिन जब आज भार्गव ने मुझे समझाया कि आप हमारे लिए इतना कष्ट करती हो, इतना मेहनत करती हो, इससे मेरी आंखें खुल गई और मुझे मेरी गलती के एहसास हो गई। मुझे पता था कि तू पढ़ाई नहीं मोबाइल चलाता था, लेकिन मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। पर क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुझे ये बात खुद एहसास हो, और आज तुझे ये बात एहसास हो गई है, इसलिए मुझे सुकून मिल रही है और मैं आशा करती हूँ कि अब तू सुधर जाएगा। हाँ दीदी, मैं सुधर जाऊंगा। मैं बुरे संगत में आ गया था, इसलिए बिगड़ गया था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारे बुरे संगत को छोड़ दूंगा और अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ूंगा। हाँ ठीक है।